एंड वेलकम बैक टू ईट राइट डाइट विद डायरेक्शन एंड श्रेया। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटेंस है, थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि ये फैमिली से जुड़ा हुआ है, फैमिली से एसोसिएटेड है। मेरे पास जब लेडीज आती हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, एग क्वालिटी के लिए, या पीसीओडी या पीसीओएस के लिए, तो वो सारा बर्डन उन्होंने लिया होता है। ये तो इनफर्टिलिटी का तो एक उनके पास रीजन होता ही है, लेकिन इसी के साथ डिप्रेशन भी हो जाता है। लेकिन जब हमारी गायनेकोलॉजिस्ट से बात होती है तो हमें पता चलता है कि पेशेंट ने सिर्फ एक फीमेल का फर्टिलिटी टेस्ट करवाया है, मेल्स का नहीं कराया है। तो रीजन, जब हमने गायनेकोलॉजिस्ट से बात की तो हमें पता चला कि 5 केसेस में से 2 ऐसे केसेस जरूर होते हैं जिसका सोली रीजन मेल इनफर्टिलिटी होता है, चाहे वो इरेक्शन हो या इजैकुएशन हो या इंटरकोर्स हो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या फिर स्पर्म काउंट हो। इनफर्टिलिटी उसी को कहते हैं जब कि स्पर्म काउंट जो है वो 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन से कम हो। सो इनफर्टिलिटी के लिए आज हम डाइट, कुछ ऐसे फूड आपको बताएंगे जो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। सो आप अपना प्लीज पेन पेपर ले लीजिए हमेशा की तरह, और कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। जो पहला एक पॉइंट है वो है जिंक। अगर आपको इनफर्टिलिटी क्योर करना है तो जिंक डाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ओइस्टर या सी फूड इंपॉर्टेंट होता है। अब मोस्टली लोग ओइस्टर या सी फूड नहीं खाते हैं। जो लोग नहीं खाते हैं वो लोग नट्स अपने डाइट में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा विटामिन ए, जिनका स्लगिश स्पर्म है या स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, उनके लिए विटामिन ए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल या पपाया या मैंगो, जिनमें भी विटामिन ए कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, तो वो आपको अपने डाइट में मैक्सिमम इंटेक करना चाहिए। उसके अलावा विटामिन सी, मोटिलिटी एंड वाइबिलिटी, स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में अंदर एंटर भी करना है, तो अगर ऐसा वाइबिलिटी आपको चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कि ग्रेप फ्रूट, टमेटो, पोमीग्रेनेट जूस या फिर ऑरेंज जूस। इसके अलावा विटामिन ई डाइट में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। राइस ब्रैन ऑयल में बहुत ही अच्छा विटामिन ई कंटेंट होता है, तो आप सेलमन फिश ऑयल का कैप्सूल भी ले सकते हैं। राइस ब्रैन ऑयल कुकिंग ऑयल के मीडियम में या कोकोनट ऑयल को भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा फॉलिक एसिड, बी विटामिन्स, जो कि बहुत ही अच्छा होता है वॉलनट्स में और आमंड्स में। सो आपको पूरे दिन में एक वॉलनट जरूर लेना चाहिए। हैंडफुल ऑफ आमंड्स या आमंड मिल्क अपने डाइट में जरूर एड ऑन करना चाहिए। पोमीग्रेनेट जूस, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी देखा गया है कि पोमीग्रेनेट जूस यानी कि अनार का जूस मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो अगर आप अनार का जूस, जैसे कि अनार, गाजर, टमाटर, ऑरेंज, आंवला जूस, अगर आप ये वाला जूस बना के डेली लेते हैं तो इससे भी फर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हद तक क्योर हो जाता है। उसके अलावा आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड आपको करना चाहिए मर्करी रिलेटेड फिश, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कैफीन, मास्टरबेशन, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग। अगर आप इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, 80% गुड क्वालिटी डाइट लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, 20% आप योगा करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आपका बाउल मूवमेंट अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, सो डेफिनेटली आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम आएगी, इनसे आपको जो टिप्स मिलेंगे प्लीज आप मुझसे शेयर कीजिए कि अगर आपको किसी चीज में कोई फर्क पड़ा है, या अगर आपको इनफर्टिलिटी से लेके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज हेजिटेट मत करें, शेयर करें हमारे साथ, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।